सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ओ शिट यार, गलत इंट्रो। अब घर चलते हैं और अपना इंट्रो अपने स्टाइल में देते हैं यार। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब एकदम अच्छे होंगे। ऐसी हंसते रहना, मजे में रहना यार। तो बस यही, अब आगे उधर चलिए बात करते हैं यार। तो यार, दिया अपने स्टाइल में हमने इंट्रो, और आपको बता दूं कि मैं आज आया हूँ आर के बीच में। और विशाखापट्टनम, मतलब ऐसा अगर है कि अगर आप विशाखापट्टनम आए और आपने आर के बीच नहीं देखा, तो भाई आपने कुछ नहीं देखा यार। आर के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का। और भाई यहाँ का ऐसा सीन है कि जो दोपहर के टाइम, दिन के टाइम आर के बीच इतना सुंदर नहीं लगता, वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन कंपेयर करें हम दिन के टाइम और रात के टाइम, तो रात के टाइम क्या है, यहाँ पे ऐसी लाइटिंग है ना यार, मतलब यहाँ पे कभी कभी शो भी हो जाते हैं। और बहुत तगड़ी लाइटिंग है यहाँ पे, बहुत सुंदर। रात के टाइम ज़्यादा सुंदर लगता है अगर हम दिन के टाइम से कंपेयर करें तो। तो भाई आज का जो व्लॉग है, मैं आर के बीच में नहीं शूट कर रहा हूँ, मतलब आर के बीच पे ये व्लॉग नहीं है, क्योंकि यार दिन के टाइम मैंने सोचा कि यार मज़ा नहीं आएगा दिन के टाइम शूट करने में। तो मैं आज जा रहा हूँ म्यूज़ियम। यहाँ पे दो म्यूज़ियम है, पहला है एक एयरक्राफ्ट का म्यूज़ियम और सेकंड है एक सबमरीन का म्यूज़ियम, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि मैं उधर ही जाऊँ, उधर पर एक व्लॉग बनाऊँ, दिखाऊँ कि कैसा है और आर के बीच में क्या सब चीज़ें हैं। तो अगर मेरे को कभी टाइम मिल रहा कि मैं शाम को, अगर मतलब जब अंधेरा थोड़ा हो, अगर मैं उस टाइम पे कभी आर के बीच आया, तो मैं पक्का यार मैं यहाँ का एक ब्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि यार आर के बीच, मतलब जैसे आप जानते हैं कि जुहू बीच मुंबई में, भाई वो शाम के टाइम में इतना मस्त लगता है यार, एकदम प्रॉपर लाइटिंग होती है उधर, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं बीच में। वैसे ही यार ये मान सकते हैं विशाखापट्टनम का जुहू बीच जो है आर के बीच, तो यार वही है। अगर कभी शाम को टाइम मिले मेरे को, तो मैं शाम को पक्का यहाँ पर आऊँगा और बनाऊंगा यहाँ का ब्लॉग। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कैसा म्यूज़ियम है, क्या म्यूज़ियम में है। दोनों म्यूज़ियम जाएंगे, पहला है सबमरीन का म्यूज़ियम और दूसरा है एयरक्राफ्ट का म्यूज़ियम। अब देखते हैं पहले कहाँ जाएंगे, तो आपको दिखाऊंगा यार। तो अब चलते हैं। तो है ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है जो म्यूज़ियम है और इसका सामने वहाँ पर एंट्री होता है। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो भाई ये है अपना सबमरीन, और सबमरीन की एंट्री कहाँ से है वो मेरे को पता नहीं। कोई नहीं, जाएंगे सबमरीन, पहले हम जाते हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में यार। ऊपर से हल्का सा दिख भी रहा है, कोई नहीं, अब अंदर जाके देखते हैं और चलते हैं, अब देखते हैं यार। अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना डिपेंडेंट कार्ड दिखा के सीधा अंदर आ सकते हैं। और अगर आप नहीं करते बिलोंग, तो आपको 70 रुपीज़ का टिकट लगेगा अगर आप एडल्ट हैं, और 40 रुपीज़ बच्चों के लिए लगेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री की, तो मुझे बताया कि यहाँ पे एक मोबाइल हेडसेट ये दे रहे हैं, और मोबाइल हेडसेट में पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि क्या है इस म्यूज़ियम के अंदर, पूरा मतलब इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा उसके अंदर। सो अब मैं लेता हूँ मोबाइल हेडसेट। हमारा दिया हुआ मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ओडा ऐप है, उसको अगर आप दबाएंगे तो लैंग्वेजेस मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, जो लैंग्वेज चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए, नंबर पैड आएगा, अंदर दीवारों पे नंबर लगा हुआ है, वहाँ देखते हुए पहला नंबर दबाएंगे, गाइड ऑप्शन आएगा, गाइड को दबाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरा सुनने के बाद बैक जाएंगे। इसी तरह से 2, 3, 4, 17 नंबर तक इन्फॉर्मेशन है। हमारा मोबाइल हेडसेट सबको दे रहे हैं, केयरफुली हैंडल करना आपका जिम्मेदारी। तो आपने सुन लिया होगा कि ऐसे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं कैसे मोबाइल हैंडल करना है। ये रहा इनका मोबाइल, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पे मुझे हेडफोन भी दे रखे हैं उन्होंने। उन्होंने बताया है कि वही से आपने देख लिया होगा ना, तो अब हम अंदर एंट्री मारते हैं। काम है समय को ढूंढना और दुश्मन का समय को नष्ट करना। ये हम रशिया से खरीदते हैं 1988 और 2017 मार्च तक मेरे को काम किया। 10 आदमी चाहिए इसको उड़ान के लिए, 9 आदमी कॉकपिट, बेबी कटर, पायलट, को पायलट, इंजीनियर, सिग्नल।
पीछे रहता है गणेश, 16 घंटा का तो आकाश में घूम सकता है, मीट या रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। इसका जो बेस है याद है चेन्नई का, इधर से पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ये पूरा पोस्टर सीट है तो देखभाल करते हैं। जो मीडिया रिफ्यूलिंग करते हैं इसको बोलते हैं मैग्नेट, मैग्नेट का कैपेसिटी है 200 मीटर। जब भी हम मीडिया में तेल लेते हैं जो तेल देता है जो ऊपर में रहता है और जो तेल रहेगा वो नीचे रहेगा, इसको बोलते हैं फोर्स। उसको जो नीचे भेज देता है जब उसको लाइन में रहता है तो वो कपलिंग हो जाता है, फ्यूल लेने के बाद स्विच ऑफ ये में क्या करें वो आपको अपना दिशा में चले जाए। 3 लड़ाई में 1 हिस्सा लिया, ऑपरेशन करगिल, ऑपरेशन करकेस, ऑपरेशन परिक्रमा। में दो रहते हैं, एक रहता है आगे में उसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, एक रहता है प्लेन के सेंटर में उसको बोलते हैं फ्लाइट डेटल। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्लेन के अंदर जो प्लेन क्रू पर्सनल है उनकी जो भी कन्वर्जेशन वॉट एवर रिसीव एंड ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 8 आवर्स वो इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती है। डेटा रिकॉर्डर में प्लेन में जितनी भी मशीनरीज है इंक्लूडिंग इसके 4 इंजिन उन सबकी पैरामीटर्स सबकी मूवमेंट्स उसमें रिकॉर्ड होती है डेटा रिकॉर्डर। प्लेन अगर कहीं क्रैश हुआ तो द प्रायोरिटी ऑफ द रेस्क्यू टीम ऑफ इंडियन नेवी टू सर्च द ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में द रीजन ऑफ द क्रैश विल बी फाइंड आउट दैट प्लेन क्यों क्रैश हुआ, कैसे क्रैश हुआ। दीज आर द पर्सनल हु ब्रोट दिस प्लेन फ्रॉम रजनी तमिलनाडु टू विशाखापट्टनम INS देखा द लास्ट क्रू ऑफ TU-142 आफ्टर इट वॉज डीकमिशन एयर बॉडी टू ऑपरेट ऑल द मशीनरीज इन साइड द एयरक्राफ्ट, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक मशीन डोर्स एक्सेट्रा, ऑक्सीजन टैंक टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल 10 क्रू मेंबर्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 8 आवर्स। बिकॉज एज द एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीजेज, सो टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल 10 क्रू मेंबर्स दिस टाइप ऑफ 5 टैंक्स आर देयर इन द एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली टू ऑल 10 क्रू मेंबर्स। Sonobuoys are the sensors, the system, the equipment which can detect the movement of the underwater submarine entering our Indian territory. This thing will be dropped from the aircraft and every sonobuoy has the parachute on the back. The moment it comes out from the aircraft, the parachute opens and parachute lay down the sonobuoy gently on the surface of the sea. As the moment the seawater enters inside the holes of the sonobuoy, the batteries inside the sonobuoy get activated, and after activation the sonobuoy will be built up with a pressure, so much pressure will be built that the sonobuoy will be split in 3 parts. This is the engine of TU-142. Aise 4 engine ye plane mein rehte hai, ek engine ka power 15,000 shaft horsepower, and the weight of each engine with propellers is 5,200 kgs. Ek engine ka wajan 5.2 kgs into 4, so 21,000 kgs. 21,000 kgs of engine weight and total weight of the aircraft with all the machineries, missiles, bombs and personnel is 185,000 kgs. And with this much of load, the TU can fly at the max speed of 900 kilometers per hour. And the consumption of fuel per hour is 6,000 liters. So the largest, the fastest,
and the heaviest plane in the world till date. यही सब था अब एयरक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर, और अभी म्यूजियम खत्म हो चुका है, हमसे बाहर आ चुके हैं, और साइड में हमको जो एयरक्राफ्ट दिख रहा है ये है, अब इसके अंदर जाएंगे हम और देखते हैं अंदर क्या है। चलो यार चलते हैं। और भैया सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना मैडम, सब्सक्राइब प्लीज। सब कैसे बढ़िया? और भैया सब्सक्राइब कर देना आप भी, और आप लोग ध्यान। सो यार बस एंट्री होके एग्जिट हम कर चुके हैं, यहाँ से चलते हैं नीचे को। क्या इतने बड़े हैं तेरे पीछे। यहाँ पे एयरक्राफ्ट का सिमुलेटर है, इसके अलग से चार्जेस हैं, और काफ़ी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, और काफ़ी भीड़ भी रहती है यहाँ पे, अभी नहीं है, लोग आ जाए नहीं ज़्यादा। तो बस यही है एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में, अब हम जाते हैं सबमरीन वाले म्यूज़ियम में। लेकिन यार अब क्या है कि ज़्यादा वीडियो इतनी लंबी नहीं करनी मेरे को, तो यार इसका सेकेंड पार्ट का वेट करना, अब सेकेंड पार्ट में डालूँगा एक्सक्लूसिवली समरीन के लिए, तो आप वो जाके देखना, सेकंड पार्ट आएगा। बस यार इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो ना यार, सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन आएगा वो प्लीज़ दबा देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना यार, वीडियो को लाइक करो तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँगा और ऐसी ऐसी जगह जाते रहूँगा यार। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं नए व्लॉग में। समरीन वाला ज़रूर देखना, वो भी अच्छा होने वाला है। तो ऐसी ऐसे ना मज़े में रहना, खुश रहना यार, और ऐसे ही मुस्कुराते रहना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।